Hello friends, today in this video I am going to teach you about reflection of light, laws of reflection and about mirror. तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सी, लाइट किसी सरफेस से किस तरह से इंटरेक्ट करती है. सपोज करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट जब इस पर आती, इसके पास आती है, इस पर आती है तो इसके आर पार निकल जाती है. अगर आपका ओपेक मीडियम है लाइक अ मिरर तो लाइट इसके पार में जाकर इस पर रिफ्लेक्ट होती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है. और द नेक्स्ट है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो लाइट किसी सरफेस से तीन तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है. लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी मीडियम में वापस लौटती है, या लाइट एब्जॉर्ब होती है. तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. लाइट का किसी भी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड बिफोर लर्निंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. सी, हमारे पास एक मिरर है, एक सरफेस है और इस पर एक लाइट रे आ रही है. तो जो लाइट रे इस सरफेस पे आ रही है इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जहां सरफेस पर ये टकराएगी तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और टकराकर जब ये रे रिफ्लेक्ट हुई तो इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसे कहते हैं नॉर्मल. तो द एंगल ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स डेट यू शुड नो टू लर्न द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सी, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर कोई रे नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल से जाएगी. सीधा सा रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम स्पेशल केस, अगर रे नॉर्मल के साथ आती है, नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बना रही है तो रे 0 डिग्री एंगल बनाकर ही सेम पाथ पर वापस लौट जाएगी. यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है. सो द फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द नेक्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे
एन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन. सी दिस बोर्ड इज अ प्लेन, दिस बोर्ड इज अ प्लेन, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल इसी प्लेन में आ रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में आएगी. मान लेते हैं आपका प्लेन ये है, इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, नॉर्मल यहां पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में जाएगी. दिस इज अ प्लेन. सो इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सरफेसेस एंड मिरर. सी अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस. वन इज स्मूथ सरफेस एंड वन इज रफ सरफेस. सी अगर किसी सरफेस पर एक पैरेलल बीम, लाइट की एक पैरेलल बीम आती है, इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद सारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं, रेज पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती हैं, देन द सरफेस इज नोन एज द स्मूथ सरफेस. एंड इफ पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज नॉन पैरेलल देन द सरफेस इज नोन एज रफ सरफेस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस, वन इज स्मूथ सरफेस एंड अदर इज रफ सरफेस. नाउ व्हाट आर मिरर्स? मिरर्स, सी वन थिंग वी शुड नो दैट मेटल्स आर द गुड रिफ्लेक्टर एंड अमंग ऑल द मेटल्स सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर. तो किसी भी ग्लास की शीट पर अगर सिल्वर से सिल्वर मेटल की पॉलिश कर दी जाए तो इस तरह बने हुए ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मिरर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज प्लेन मिरर एंड अदर इज स्फेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर के भी दो टाइप होते हैं, वन इज कॉनकेव एंड अदर इज कॉन्वेक्स. मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास का स्फीयर है, इसको हमने एक साइड से कट करकर इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी. जब बाहर की तरफ पॉलिश की है तो अंदर का जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा. इस तरह जो मिरर बनेगा उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर. सेम ग्लास की बॉल को काटकर अगर उसकी हमने इनवर्ड पॉलिश कर दी है, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी है, तो जो मिरर बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, इसका बाहर का जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा. कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. सी दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर. तो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल. So this is the pole of concave mirror and this is the pole of convex mirror. The first point is pole. The second point is center of curvature. See, spherical mirror जो बने होते हैं वो किसी sphere से बन के बने होते हैं. तो मान लो ये spherical mirror है, ये किसी sphere से बन के बना हुआ,
तो उसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल कर्वेचर। तो सेंट्रल कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। ये किसी स्पीयर से बना है, इसका सेंटर यहाँ होगा, जिसे बोलेंगे सेंट्रल कर्वेचर। इसका सेंट्रल कर्वेचर मान लेते हैं इस साइड होगा क्योंकि स्पीयर ऐसे बने। द थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रल कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द फोर्थ पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। जिस स्पीयर से ये मिरर निकाले गए हैं, बनाए गए हैं, उसकी रेडियस को, उस स्पीयर की रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के जो मिड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो मिड पॉइंट होगा इसे बोलेंगे फोकस पॉइंट। द रेज विच आर कमिंग, इसे ऐसे भी सोच सकते हैं द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मीट एट विच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट। एंड इन द कॉन्वेक्स मिरर द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर appear to come from the principal axis that point is known as the focus point of convex mirror. The next point is focal length. The distance between pole and focus, the distance between pole and focus is known as focal length. The distance between pole and focus is known as focal length.